हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस तरह की साटन के रिबन की लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाएंगे। ये ड्रेस 5 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए बनाई गई। इस ड्रेस में मैंने 3 कलर के साटन रिबन का यूज़ किया है, ऑरेंज, ब्लू और वाइट। इसमें मैंने 4 नंबर और 10 नंबर के राउंड मोती का यूज़ किया है। इसमें मैंने जो रिबन लिया है उस रिबन की चौड़ाई 1 इंच चौड़ा रिबन से मैंने ये पत्तियाँ बनाई हैं और इसे बनाया है। चलो हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाना शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को, जो घंटी का बटन है, उसे दबाना ना भूलें, जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ कि मेरी ये ड्रेस आपको कैसी लगी। चलो हम अब इसे बनाना शुरू करते हैं। ये ड्रेस बनाने के लिए सबसे पहले हम पेपर के ऊपर एक राउंड काट लेते हैं। ये राउंड मैंने 8 इंच का काटा है। अब इसे हम हाफ फोल्ड करते हैं, एक फोल्ड और फिर एक फोल्ड और। इस तरह हम इसे 8 जगह फोल्ड कर लेते हैं। अब इसको एक फोल्ड और करके इसके बीच में हम निशान कर लेते हैं। अब सेंटर वाला जो निशान होता है उसके ऊपर लगभग हम 1.5 या 1.75 इंच के ऊपर एक पेन से निशान लगा लेते हैं, 1.5 या 1.75 इंच के ऊपर। तो मैंने इसमें 1.75 इंच के ऊपर निशान लगाया है, तो लगभग मैं ये 1.5 इंच पे निशान लगा लेती हूँ। फिर यहाँ से इधर की तरफ एक पत्ती की डिज़ाइन काट लेती हूँ, इधर की तरफ एक पत्ती की डिज़ाइन ड्रॉ करके काट लेती हूँ। कटने के बाद कुछ हमारी डिज़ाइन इस तरह से बन जाती है, इसमें 8 पत्तियाँ बनती हैं। अब इसे मैं टैट्रोन के ऊपर ट्रेस कर लेती हूँ। तो हम ये सिंपल वाली टैट्रोन लेते हैं। इस टैट्रोन के ऊपर इसे मैं पेस्ट कर लूँगी, ट्रेस कर लूँगी। और इस तरह का हम ऑरेंज साटन का कपड़ा लेते हैं, वो इसके ऊपर फेविकोल से मैं चिपका लेती हूँ। जिन ड्रेसों के अंदर अपन हम सभी के ऊपर पूरा वर्क करते हैं उनके ऊपर मैं सिंपल टैट्रोन लेती हूँ, और जिनके ऊपर हमें कोने में वर्क करना रहता है, सेंटर में से खाली रहता है, उस जगह हम पेस्टिंग वाली टैट्रोन यूज़ करते हैं। तो इसमें हमारी ये पूरी ड्रेस साटन रिबन से बनती है, इसलिए हम इसमें सिंपल टैट्रोन लेते हैं। तो मैं इसे ये पेस्ट कर लाती हूँ और पीछे की तरफ सिंपल कपड़ा पेस्ट कर लेती हूँ। इस तरह हमने सभी जगह पे अपने टैट्रोन पे साटन का कपड़ा पेस्ट कर लिया है। पीछे की तरफ मैंने सिंपल कपड़ा पेस्ट कर लिया है और इसे हाफ करके मैं यहाँ से कट कर लेती हूँ। सेंटर में से इस गोले को काट लेती हूँ। सेंटर में जो हमने राउंड काटा है, इस राउंड को 1.75 इंच का डायमीटर में काटते हैं, जहाँ पर हम अपनी चोली को अटैच करते हैं। जब हम साटन के कपड़े को काटते हैं तो चारों तरफ इसमें छोटे छोटे धागे निकल जाते हैं, जिन्हें हम कैंडल से या सिक्योर कर लेते हैं। तो हम इसे इस तरह से सिक्योर कर लेते हैं, इस तरह फोल्ड करके हम इसे इस तरह से पूरे को सिक्योर कर लेते हैं। इसे इस तरह हमारा पूरा सिक्योर हो गया है। अब हम इसके ऊपर लगाने के लिए पत्तियां बनाते हैं, जो हम साटन के रिबन के बनाते हैं। मैं 2 कलर का साटन का रिबन लेती हूँ। ये मैंने ब्लू और ऑरेंज कलर का साटन का रिबन लिया है। इसके अंदर हमें वाइट कलर का साटन का रिबन भी लगाते हैं, लेकिन पहले हम इन 2 कलर की साटन के रिबन की पत्तियां बनाते हैं। इसकी हम 3 इंच की पट्टी काट लेते हैं। मैंने ये 3-3 इंच की पट्टियां काटी हूँ। मैंने 3-3 इंच की इसमें पट्टियां काट ली हैं, 3-3 इंच की दोनों पट्टियां काट ली हैं। अब इनकी पत्तियां बनाते हैं। पत्तियाँ बनाने के लिए इसको हाफ फोल्ड करने के लिए इस तरह फोल्ड करती हूँ। फोल्ड करने के बाद मैं वापस से इसको इस तरह ले आती हूँ, इस शेप की पत्ती बन जाती है। तो ऑरेंज कलर की पत्ती को हम पीछे की तरफ से इस तरह हाफ फोल्ड कर लेते हैं। इस तरह हाफ फोल्ड करने के बाद मैं इसे यहाँ से सिक्योर कर लेती हूँ। इस तरह हमारी एक पत्ती बन जाती है। ऑरेंज की हम दोबारा से बनाते हैं, इस तरह फोल्ड करते हैं।
फिर इस तरह लेते हैं इसे, इसे पीछे से हमें इस तरह हाफ फोल्ड करना है, हाफ फोल्ड करके हमें इसे इस तरह हमारी ये पत्ती बन जाती है। ब्लू वाली पत्ती को हम बनाते तो इसी तरह से हैं। अब इसे फोल्ड करने के लिए हम बीच में इस तरह एक छोटी सी प्लेट डाल के इस तरह हम इस पत्ती को बनाते हैं, ब्लू वाली को। ब्लू वाली पत्ती हमारी इस तरह से बनती है, फोल्ड करते हैं फिर इसे वापस इस तरह फोल्ड कर लेते हैं तो हमारी डिजाइन बन जाती है। और इसमें को हाफ फोल्ड ना करके इसके बीच में हम एक छोटी सी प्लेट डालते हैं, इस तरह एक प्लेट डाल देते हैं। इस तरह हम अपनी सभी पत्तियां बना लेते हैं। इस तरह हमने ये सभी पत्तियां बना ली, ये लगभग हमारी 40 पत्तियां तो ऑरेंज कलर की बनाते हैं हम, और 8 हमारी पत्तियां हैं तो ये 8 हम नीले रंग की बनाते हैं। बाद में हमें नीले रंग की पत्तियां और चाहिए रहती हैं, हम बाद में बनाएंगे, पहले हम यहाँ पे लगाते हैं। तो एक एक जो हमारी ये पत्ती की शेप है इसमें ऊपर की तरफ सब ऊपर के कोने के ऊपर एक ऑरेंज कलर की पत्ती लगाते हैं, तो ये मैं ग्लू गन से करती हूँ। इसे यहाँ पे ऑरेंज कलर की पत्ती लगा देती हूँ एक, ऊपर जो हमारा सबसे ऊपर कोना होता है उस कोने पे हम लगा देते हैं। और इसके दोनों साइडों में हम दो पत्तियां और लगाते हैं जो भी हम ऑरेंज कलर की लगाते हैं। अब हम नीचे की तरफ तीन पत्तियां लगाएंगे, दो ऑरेंज कलर की और एक ब्लू कलर की। तो पहले हम ऑरेंज कलर की पत्ती लगा देते हैं कि एक यहाँ पे लगेगी हमारी ऑरेंज कलर की, सेंटर में हमारी ब्लू कलर की लगती है, तो पहले हम सेंटर में ब्लू कलर की पत्ती लगा देते हैं। इस तरह सभी जगह हम ये रो लगा लेते हैं। पांच पत्तियां हमारी ये ऑरेंज कलर की लगती है, एक हमारे ब्लू कलर की लगती है, इसी सभी जगह में ये लगा लेती हूँ। इस तरह हमने सभी जगह ये पत्तियां लगा ली। अब हम 8 सफ़ेद रंग की वाइट कलर की पत्तियां बनाते हैं, जैसे हमने ब्लू कलर की पत्तियां बनाई थी बीच में से इस तरह फोल्ड करके, हाफ फोल्ड ना करके इस तरह फोल्ड करके ब्लू कलर की बनाई थी, ऐसी 8 बना लेते हैं हम ये वाइट कलर की। अब जहाँ जहाँ हमारे कोने हैं हर पत्ती के कोने पे यहाँ पे एक एक पत्ती हम ये लगा देते हैं। जहाँ पे हमारा ये जोड़ है वहाँ पे एक तरफ हम एक पत्ती लगाते हैं, इस तरह इसको खोल के एक तरफ लगा देते हैं। इस तरह हमारे दोनों तरफ हो जाती है। इस तरह हमारी सभी पत्तियां लग जाती। अब हम वापस से अपना वाइट कलर का रिबन लेते हैं, आगे के मुंह को तो हम सिक्योर कर लेते हैं, फिर हम सुई धागा लेते हैं और इसमें इस तरह से प्लेटें डालते हैं, एक दूसरे के ऊपर ये प्लेटें लगाते हुए हम इसे कच्चा कर लेते हैं, सिलाई मशीन से भी कर लेते हैं इसे। तो मैं इसे यहाँ पे आपको कच्चा करके दिखा रहा हूँ। जैसे हम नॉर्मल प्लेटें डालते हैं वैसे एक दूसरे के ऊपर प्लेटें डालते हुए हम इसे पूरी लंबाई में बना लेते हैं। इस तरह मैं इसे पूरी लंबाई में बना लाई, मैंने प्लेटें डाल ली हुई हैं। अब इन सभी जगह मैं यहाँ पे इस तरह से ग्लू गन से इस तरह से पूरे को पेस्ट कर देती हूँ। जो हमारा खुला हुआ हिस्सा है वहाँ से हम इसे पेस्ट करना शुरू करते हैं।
जो हमारा खुला हुआ हिस्सा है इसका फ्रिल्स का, ये ऊपर की तरफ रहता है खुला हिस्सा, तो मैं इसे इधर की तरफ से पेस्ट करना शुरू करती हूँ। इस तरह पेस्ट करते हुए इसे मैं लास्ट तक ले आती हूँ। इस तरह मैं अपने लास्ट तक आ गई हूँ। तो लास्ट तक आने पे मैं इसे अपने यहाँ से काट लेती हूँ। इसे काटने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा हॉट ग्लू लगा के इसे अंदर की तरफ मैं चिपका देती हूँ, या फिर अपने मुंह को सिक्योर भी कर लेते हैं जिससे इसके धागे नहीं निकले। इससे हमारी ये फ्रिल्स लग जाती है। अब फ्रिल्स लगने के बाद हम यहाँ पे ऑरेंज और ब्लू कलर की वापस से अपनी पत्तियाँ लगाते हैं, लेकिन अब हम ऑरेंज कलर की पत्तियाँ बिल्कुल ब्लू कलर की पत्तियों की तरह बनाते हैं, बीच में से सल डाल के। तो एक ऑरेंज और एक ब्लू कलर की पत्ती लगाते हुए इस रो को कंप्लीट कर देती हूँ। तो मैं पहले यहाँ पे एक ऑरेंज लगाती हूँ, फिर इसके पास में एक ब्लू कलर की पत्ती लगा देती हूँ, इस तरह रो भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। इस तरह मैंने सभी जगह ये ब्लू ऑरेंज कलर की एक एक पत्ती लगा के इस रो को भी कंप्लीट कर लिया है। अब वापस से हम एक फ्रिल्स की रो लगाते हैं। तो मैंने बना ली है फ्रिल्स की रो, कैसे कट कर लिया है। अब इसके मुंह को मैं पीछे की तरफ पेस्ट कर देती हूँ इस तरह से। अब इस रो के आगे हम इसे लगा देते हैं। इस तरह लगाते हैं, इस रो को भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। इस तरह मैंने फ्रिल्स लगा के अपनी घेरे को कंप्लीट कर लिया। अब इसमें हम इसे मोती से डेकोरेट करते हैं। तो मैं इस तरह के राउंड मोती लेती हूँ। ये आप ये मोटे वाले 10 या 12 नंबर के ले सकते हैं, और ये छोटे वाले 4 या 6 नंबर के मोती ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 10 नंबर के और 4 नंबर के मोती लिए हैं। तो जो हमारे ऑरेंज कलर और ब्लू कलर के हैं वहाँ पर तो हम ये 4 नंबर वाले मोती लगाएंगे, और जो हमारे वाइट कलर की पेटल हैं वहाँ पे हम ये 10 नंबर के मोती लगाते हैं। तो मैं सभी जगह एक एक मोती लगा देती हूँ। और वाइट पे हम 10 नंबर वाला मोती लगाते हैं अपना, और सभी जगह मैं ये 4 नंबर वाला मोती लगा लेती हूँ। तो आप इसे 4 की जगह 6 नंबर वाला भी ले सकते हैं काम में। इस तरह लगाते हुए मैं अपनी पूरी सभी जगह इन पत्तियों पे मैं इसे मोती लगा लेती हूँ। सभी जगह हमने मोती लगा ली। इस तरह हमारा घेरा कंप्लीट हो जाता है। अब हम अपनी चोली बनाते हैं। चोली बनाने के लिए ये मैंने अपने रिबन ऑरेंज कलर का रिबन काट लिया। ये मैंने 11 इंच का लंबाई में लिया है। ये रिबन मैंने 11 इंच लंबाई में लिया है, और इस रिबन की चौड़ाई 1 इंच है। तो हमें चोली की चौड़ाई 1.5 या 1.5 इंच लेनी रहती है। तो मैं इसकी चौड़ाई 1.25 इंच लेती हूँ। तो 1.25 इंच लंबाई चौड़ाई लेने के लिए मैं इसके दोनों तरफ ब्लू कलर का रिबन लगाती हूँ। इसके लिए मैंने ये 1/2 इंच का रिबन लिया है। अगर आपके पास ये 1/2 इंच का रिबन ना हो तो जो हमारा ये चौड़ा वाला रिबन है, इस रिबन को हम इस तरह फोल्ड करके भी लगा सकते हैं। इसे इसको फोल्ड करके लगाएंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा इस तरह इसमें लगाएंगे, तो थोड़ा सा इधर एक्स्ट्रा ले लेंगे जिससे हमारी ये पट्टी की लंबाई बढ़ जाती है। अब मैं ये छोटा वाला रिबन लगाती हूँ। तो इस रिबन को मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ाती हूँ।
इस तरह रिबन हमारा एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। मैं इस तरह दोनों तरफ लगा लेती हूँ। इस तरह मैंने दोनों तरफ ये रिबन लगा लिया। अब इसे हम बीच में से दो पीस कर लेते हैं इस तरह। दोनों पीसों के ऊपर मैं यहाँ पे मोती लगा लेती हूँ। इस तरह हमारी दोनों पट्टियाँ तैयार हो जाती हैं। अभी हम ओपन चोली रखेंगे। ओपन चोली रखते हैं तो हम नीचे की तरफ रिबन लगा लेते हैं। अटैच करते हैं तो हम इस तरह से अटैच करते हैं। ओपन वाले हिस्से से हम इसके दोनों हिस्सों को लगा देते हैं। दूसरे हिस्से को हम इस तरह पीछे की तरफ एक साथ लगा देते हैं। पीछे की तरफ से थोड़ा सा हिस्सा हम इसे यहाँ से भी अटैच कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा यहाँ से भी अटैच कर देती हूँ। इस तरह हमारी ड्रेस कंप्लीट हो जाती है। कंप्लीट होने के बाद हमारी ड्रेस कुछ इस तरह से लगती है। आपको मेरी ड्रेस अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।